क्या कहा तुमने सोनाक्षी? मामा हसबैंड मतलब? नहीं माँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? उसने कहा है तो उसका कुछ तो मतलब होगा। हाँ माँ, वो माँ माँ, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि देव अपना काम खुद से करे। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो आप पे हर चीज के लिए डिपेंड ना हो। और वैसे भी मैंने ये बात आपसे पहले भी की थी, लेकिन माँ आपने फिर भी उनकी मदद की। मुझे तो लगा कि वो अपना काम खुद से कर रहे, लेकिन सच बात तो ये है कि आपकी मदद के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप ही बताइए माँ, क्या ये गलत है या नहीं? सही और गलत की बात नहीं है सोनाक्षी, ये सब तो मैं देव के लिए हमेशा से करती हूँ। हम हमेशा कर सकती है, लेकिन माँ खुद से अपना काम करना उसमें कोई गलत बात नहीं है ना। अब हमेशा से करती आई और हमेशा से कर सकती है ये पता है, लेकिन यही तो बदलना है ना माँ। और ये मेरे लिए नहीं, ये इनके लिए सही है और आपके लिए भी। देखो क्या क्या कहूँ मैं सोनाक्षी, तुम्हारी सोच गलत नहीं है, पर देव और मैं हमेशा से ऐसे करते आए हैं। हमने आपस में काम बांट रखे हैं। देव हमेशा बाहर के काम करता है और मैं यहाँ उसके सारे काम करती हूँ। उसके कपड़े, उसका कमरा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन माँ, अब मैं भी इनके साथ कमरा शेयर करती हूँ ना, तो खुद का काम करने में कोई गलत बात तो नहीं है ना? और वैसे भी माँ हमेशा से तो ऑफिस में मेहनत करते, घर पे आके इतनी आलस क्यों? मेरे कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। अब तुम लोग तो अपनी बात बेहतर समझते हो। सोनाक्षी सॉरी कहा ना मैंने, अब और क्या करूं मैं? देव, देव पता नहीं ये सब आज क्यों हो रहा है। मतलब कल आपका बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से कल की सेलिब्रेशन स्पॉइल हो जाए। मैं आपके स्पेशल डे को और स्पेशल बनाना चाहती हूँ। सच में आपसे झगड़ा करने का कोई एजेंडा नहीं था। आज की जो बात है मैं भूल जाऊँ और हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। थैंक्स, आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे। और आज रात का क्या प्लान है? सिर्फ हम तो और कोई नहीं। पता है मैंने अपने बर्थडे के लिए भी इतना वेट नहीं किया जितने आपके बर्थडे के लिए वेट कर रही हूँ। पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ सोनाक्षी, लेकिन शायद तुमसे भी ज्यादा मैं प्यार से प्यार करने लगा हूँ। ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं दुनिया में शायद। अभी देखो ना, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे और अभी देखो सारी बात ही बदल गई। और तुम कहती हो ना कि मैं बदला नहीं हूं, मैं बदला हूं। पता है मैंने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। एलिना, फोन रख, चूहा पकड़ने में मदद कर। जब देखो तब फोन पे लगी रहती है। सौरभ, बहुत मेहनत कर ली ना बेटा, है इसलिए थोड़ा आराम कर ले तू। थोड़ा पानी पी रहा हूं ना। तेरी वजह से वो चूहा इस घर के अंदर आया था और तेरी वजह से ही हाथ आते आते भाग गया वो चूहा, और तू यहाँ बैठ के आराम कर रहा है। हर बात में मुझे क्यों ब्लेम करते हो? इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करता। तुम्हारा तो बेटा किसी चीज में मन नहीं करता और उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैंने आपको कब ब्लेम किया? सबाई चुप थाको, जल्दी से चूहा ढूंढो।
हाँ जाओ ढूंढो। ना आता ही होगा और आके यहाँ उसको रेडी होना है। सौरभ चलना। नहीं कोथा है अभी तो मैं आई हूँ। अरे सुनो बेटा आओ। क्या छुपा रहे हो आप लोग मुझसे? नहीं बेटा हम लोग तुमसे क्या छुपाएंगे। बाबा ट्राई भी मत करो। बताओ मुझे आपके पीछे क्या है? ये आप टॉवल लेके क्यों घूम रहे हो? अब देखना पूरे घर की सफाई हो रही है। हम लोग सफाई कर रहे थे। वहाँ की सफाई हो गई? बस कर रहा हूँ जी। चूहा घर में चूहा है। माँ खाने का सामान जल्दी से घर से बाहर निकाल दो। मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ। मिल गया जल्दी आओ जल्दी आओ। वो देखो मोरा इतना क्यूट है। माँ ऐसा लग रहा है कि इसे पेट होता है लेकिन कितनी लजीज कैसी करते हैं ना। बाबा इसे मारना नहीं है। हाँ बेटा इसको मारेंगे नहीं। सौरभ तू उधर से खेल। एक मिनट मैं वहां जाती हूँ। हाँ हाँ एक मिनट धीरे से। बाबा टॉवल मैं इधर से भगा रहा हूँ ठीक है। पकड़ लिया फंस गया। फाइनली देखा बाबा पकड़ लिया ना। कहते हो कुछ नहीं करता। वाह बेटा वाह आज तुमने बोस खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। आराम से ले जाना प्यार से। ए बोका ये लगा ये वाला। अरे आप रुको ना मैं ये बना के दिखाता हूँ। आज का डेट जो है ना उसे कैलेंडर में मार्क कर ले। हर साल हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। ये बात है माँ। पापा और दादा एक ही टीम और लड़ भी नहीं हंस रहे उल्टा। मैं नहीं हिलने वाली इस पोजीशन से। कहीं ये मोमेंट टूट गया तो तू खुद ही पूछ ले। दादा चलो वापस कर लो मेरा लैपटॉप। मुझे माँ को प्रेजेंटेशन दिखानी है जो मैंने देव की बर्थडे के लिए बनाई है। भाई हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट डन हो चुका है। नहीं टन टन दादा दिस इज सो फनी। मेरा आइडिया है। हमारा आइडिया। वेल डन बिजॉय। देखा तुमने अगर तुम अपने बेटे के साथ कोई भी काम करोगे तो क्या नहीं कर सकते हो। आशा प्लीज। हाँ मैं इसको बास्केटबॉल में भी डाल दूंगा ना तो ये कभी भी बास्केटबॉल नहीं बनेगा। ये फुटबॉल ही रहेगा। सोना ये तेरा प्रेजेंटेशन इतना बोरिंग था। फोटो के ऊपर आई लव यू फॉरएवर लिखने से कुछ नहीं होता। ये है असली एंटरटेनमेंट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.